और इस बीच एक और खबर, जहां ओपी राजभर ने अपने विधायक से पलड़ा झाड़ दिया है और नीट मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पर एक बयान भी दे दिया है। तो ओपी राजभर ने अपने विधायक से पलड़ा झाड़ते हुए बयान दिया और उन्होंने साफ कह दिया, विधायक बेदी राम को लेकर ओपी राजभर ने किनारा करते हुए साफ कह दिया है, हमारी तरफ से चुनाव नहीं लड़े थे विधायक बेदी राम के लिए उन्होंने ये कहा है किनारा करते हुए, और ओपी राजभर ने पल्ला भी झाड़ दिया है। तो आपको बता दें, उनकी तरफ से बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा नीट पेपर मामले को लेकर कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे, उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे, तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए, आप बेदी राम से ही पूछ लीजिए ना, ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए।